जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में आपको गोवा ट्रिप की पूरी जानकारी देने वाला हूं, अगर आप गोवा जाने वाले हैं। दोस्तों अगर आप गोवा जाने का प्लान करते हैं तो आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आ रहे होंगे कि आप गोवा में कहां रुकोगे, आपको खाने की किस तरह से व्यवस्था करनी पड़ेगी, साथ ही हम कहां रुकेंगे, हमारा बजट कितना होगा, किस तरह से आप जा सकते हैं। इन्हीं प्रश्नों का उत्तर मैं आज की इस वीडियो में देने वाला हूं। और अगर आप गोवा जाने का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। चाहे आप अकेले जाए, चाहे आप अपनी फैमिली के साथ जाएं, और आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है आज की वीडियो में आपको एक एक करके सारी चीजों को बताऊंगा। सबसे पहली बात करते हैं हम गोवा। दोस्तों गोवा दो भागों में डिवाइड है, पहला तो है नॉर्थ गोवा और दूसरा है साउथ गोवा। दोस्तों बात आती है कि मैं नॉर्थ गोवा में घूमूं या साउथ गोवा में घूमूं। अगर मैं आपको रिकमेंड करूं कि अगर आपका बजट इकोनॉमिकली है तो फिर आप सिर्फ एक ही गोवा में घूमिए, या फिर आप साउथ गोवा में घूमिए या फिर आप नॉर्थ गोवा में घूमिए। लेकिन अगर आपका एक्सपेंसिव ज्यादा है और आप ज्यादा चीजें घूमने चाहते हैं और आपका बजट भी ज्यादा है तो उस समय आप दोनों गोवा घूम सकते हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप चाहे नॉर्थ गोवा घूमिए चाहे आप साउथ गोवा घूमिए, दोनों जगह पर आपको सारी चीजें सेम दिखने को मिलेंगी। और बात करेगी दोस्तों दोनों नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा में डिफरेंस क्या है। देखिए अगर आप माहौल वाला जगह चाहते हैं तो आपके लिए बेटर है नॉर्थ गोवा, लेकिन अगर आप शांत जगह चाहते हैं और शांत से घूमना चाहते हैं तो आपके लिए साउथ गोवा बेस्ट रहेगा। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप 3 दिन साउथ गोवा में घूमते हैं 3 दिन नॉर्थ गोवा में घूमते हैं। दोस्तों मैंने 3 दिन इसलिए कहा क्योंकि 3 दिन शॉपिंग सेंटर गोवा को घूमने के लिए, लेकिन अगर आप दोनों घूमना चाहते हैं तो आपको 5-6 दिन आराम से लग जाएंगे। दोस्तों अगर मैं बात करूं बजट की तो जितना खर्चा नॉर्थ गोवा में आएगा उससे 10-15% ज्यादा साउथ गोवा में खर्चा लगेगा आपका, लेकिन जो आपको घूमने का आनंद आएगा वो सिर्फ नॉर्थ गोवा में आएगा। क्योंकि साउथ गोवा में तो आपको बीच मिलेंगे और आपको सारी सुविधाएं भी मिलेंगी, आपको होटल्स मिलेंगे, बीच मिलेंगे, रिजॉर्ट मिलेंगे, सारी चीजें आपको साउथ गोवा में भी मिलेंगी। क्योंकि बात यह है कि वहाँ वो शांत इलाका है, भीड़ भाड़ वहाँ कम होती है, इसलिए वहाँ की कॉस्ट थोड़ी ज्यादा आती है। चाहे होटल का कॉस्ट हो, चाहे खाने का कॉस्ट हो, चाहे किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने का कॉस्ट हो, वो साउथ गोवा में थोड़ा सा ज्यादा आएगा। चलिए अगर आप गोवा जाते हैं तो कौन सा बेस्ट टाइम रहेगा गोवा जाने के लिए। दोस्तों अगर मैं बात करूँ नवंबर, दिसंबर और जनवरी की, ये तीनों महीने हमारे पीक होते हैं। इसका ये कारण है कि लोग विंटर के सीजन में ज्यादा घूमना पसंद करते हैं। इसके साथ ही दिसंबर के महीने में क्रिसमस भी होती है और गोवा में बहुत सारे चर्च भी होते हैं, तो इन चर्च और विंटर सीजन के कारण गोवा में हमें बहुत भीड़ देखने को मिलती है। यानी कि नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये तीनों महीने हमारे भीड़ वाले होते हैं। तो बेटर ये है कि आप इन तीनों महीनों को छोड़कर आप कभी घूमने जा सकते हैं। और आप मई जून के महीने में मत जाना क्योंकि वहाँ बहुत गर्मी पड़ती है, इसलिए वहाँ घूमने का आनंद आपको कम आएगा क्योंकि गर्मी भी इतनी ज्यादा पड़ती है जितनी की ठंड पड़ती है। और आप इस चीज का भी ध्यान रखिए। लेकिन अगर आप मेरे रिकमेंडेशन पूछते हैं तो फिर मैं आपको सितंबर और अक्टूबर में जाने की सलाह दूंगा। लेकिन अगर आप इस सीजन में प्लानिंग नहीं कर सकते तो आप फरवरी या मार्च में जा सकते हैं, क्योंकि यही महीने जो आपको घूमने का आनंद भी देंगे और आपका बजट भी कम आएगा। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं आप गोवा कैसे पहुंचे। ये बात तो आपके ऊपर डिपेंड करती है आप कौन से व्हीकल से आ रहे हैं, आप बाय रोड आ रहे हैं, चाहे ट्रेन में आ रहे हैं, चाहे आप प्लेन में आ रहे हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूं अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो आपको वास्को डा गामा जाना पड़ेगा। अब वास्को डा गामा पड़ता है हमारा साउथ गोवा में, ये एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यहाँ आपको इंडिया के सारे प्लेन्स की कनेक्टिविटी मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिलती तो आप मुंबई से डायरेक्टली फ्लाइट ले सकते हैं गोवा के लिए। तो दोस्तों अगर आप ट्रेन से आते हैं तो आपके लिए दो रूट आते हैं ट्रेन के लिए। तो यहाँ पर अगर आप साउथ गोवा घूमना चाहते हैं तो आपको मडगांव जाना पड़ेगा या फिर वास्को डी गामा। दोस्तों वास्को डी गामा हमारा रेलवे स्टेशन भी और एयरपोर्ट भी है, लेकिन वास्को डी गामा हमारा डेड लाइन है क्योंकि वहाँ उसके आगे कोई लाइन नहीं आती। तो फिर आपको वास्को डी गामा जाने के लिए बहुत कम ट्रेन मिलेंगी क्योंकि वहाँ बहुत कम ट्रेन जाती है हमारे बड़े बड़े राज्यों से। तो फिर आप कोशिश कीजिए कि आप मडगांव आ जाइए। दोस्तों मडगांव हमारा वास्को डी गामा से 30 किलोमीटर पहले पड़ता है, तो सबसे पहले आप मडगांव आ जाइए, उससे आप डायरेक्टली बाय रोड गोवा जा सकते हैं। तो फिर आप नॉर्थ गोवा या साउथ गोवा में के पर्टिकुलर जगह पर घूम सकते हैं। लेकिन अगर आप ट्रेन से ही वास्को डी गामा तक कवर करना चाहते हैं तो आप ट्रेन से भी कर सकते हैं, वो 30 किलोमीटर आपका बाय ट्रेन भी कवर हो जाएगा और आपको मडगांव से वास्को डी गामा तक बहुत सारी ट्रेनें मिल जाती हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूं नॉर्थ गोवा की तो आपको आना पड़ेगा थिवीम। अगर आप मुंबई से होते आते हैं तो आपको रत्नागिरी और मडगांव के बीच में एक स्टेशन मिलेगा थिवीम। थिवीम से हमारा जो नॉर्थ गोवा का फेमस स्थान है कैलम गोट, वो आपका लगभग 16-17 किलोमीटर पड़ जाता है। तो दोस्तों आप ध्यान रखिए कि अगर आप नॉर्थ गोवा घूमना चाहते हैं तो आप थिवीम में उतरिए, लेकिन अगर आप साउथ गोवा घूमना चाहते हैं तो आप वास्को डी गामा रेलवे स्टेशन पर भी आ सकते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्टली ट्रेन नहीं मिलती है तो आप मडगांव भी उतर सकते हैं। चलिए मेरा जो सजेशन है आप नॉर्थ गोवा ही घूमिए। देखिए अगर आप ऑफ सीजन में जाते हैं तो आपको भीड़ देखने को तो मिलेगी ही नहीं, तो आप भीड़ से तो बच सकते हैं नॉर्थ गोवा में भी और साउथ गोवा में तो भीड़ होती ही नहीं। लेकिन अगर आप विंटर में जाते हैं तो थोड़ी बहुत भीड़ तो आप साउथ गोवा में मिल जाएगी। अगर मैं पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो आप नॉर्थ गोवा ही घूमिए क्योंकि आपकी सारी चीजें कवर हो जाएंगी जो आप थोड़े से ज्यादा पैसे साउथ गोवा में देने वाले हैं। तो आप सिर्फ नॉर्थ गोवा में घूमिए क्योंकि वहाँ का सीन थोड़ा सा अच्छा है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि हम नॉर्थ गोवा तो पहुँच गए, तो सबसे पहले मैं एक प्लेस का नाम लूंगा कैलंगोट। कैलंगोट एक सिटी है और इसमें एक बीच है, उसका नाम है कैलंगोट बीच। ये बीच काफी पॉपुलर भी है और इसे गोवा का सबसे बड़ा बीच कहा जाता है। दोस्तों कैलंगोट की बीच की बात करें तो वो मडगांव से 60 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। वास्को डी गामा से हम बात करें तो वो 30-40 किलोमीटर पड़ता है अगर आप साउथ गोवा से आ रहे हैं तो। लेकिन अगर आप
से आ रहे हैं तो आपको 17 से 20 किलोमीटर की दूरी पर पड़ जाएगा। दोस्तों अगर आप साउथ इंडिया से आ रहे हैं तो उस केस में आप मडगांव ही उतरिए, लेकिन अगर आप नॉर्थ साउथ से आ रहे हैं तो उस केस में आप थुई में उतरिए। अब हम रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके हैं जो कि थुई में है। यहां पर बात आती है कि हम टैक्सी करें या फिर पर्सनल गाड़ी से आए। दोस्तों बाकी शहरों की बात तो मैं नहीं करता, लेकिन अगर आप गोवा में पर्सनल कैब बुक करते हैं यानी कि पर्सनल गाड़ी करते हैं, चाहे आप वो रेंट पर स्कूटी ले लो, चाहे आप वो रेंट पर बाइक ले लो, चाहे आप कार पसंद कर ले, अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो आप वहाँ पर पर्सनल कार भी हायर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कार चलानी नहीं आती तो आप वहाँ पर पर्सनल टैक्सी भी बुक कर सकते हैं। दूसरी बात यह आती है कि मैं गाड़ी क्यों हायर करूँ। दोस्तों मैं गाड़ी हायर करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप अपनी टैक्सी बुक करते हैं तो उस केस में आपका कॉस्ट ज्यादा आएगा। दोस्तों अगर आप स्कूटी हायर करते हैं तो उस केस में उसका एक दिन का किराया लगभग 350 के आसपास आता है, लेकिन अगर आप बुलेट हायर करते हैं तो उस केस में आपको 700 से 800 रुपए पर डे के हिसाब से देना पड़ेगा। अब बात ये भी आती है कि मैं गाड़ी लूंगा कैसे। दोस्तों जब आप रेलवे स्टेशन के बाहर आएंगे या फिर एयरपोर्ट के बाहर आएंगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारे ब्रोकर दिखेंगे जो आपको कहेंगे हमारे से गाड़ी हायर कर लो, हमारे से गाड़ी हायर कर लो। तो आप उन पर भरोसा करके उनसे ही गाड़ी ले लो, वो आपको नॉर्मल प्राइस ही बताएंगे, वो अपने हिसाब से आपको ज्यादा किराया नहीं बताएंगे। अगर आप किसी भी एजेंट के पास जाते हैं गोवा में तो आपको वो अपने हिसाब से ज्यादा किराया नहीं बताएगा, आपको 300 से 350 रुपए पर डे के हिसाब से देने पड़ेंगे। बस आप ये ध्यान रखिए कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और आप वैसे एक व्हीकल पर दो ही जाने बैठ सकते हो, नहीं तो आप बहुत भारी पेनल्टी का शिकार हो जाओगे क्योंकि वहाँ की बहुत जो पुलिस है वो बहुत स्ट्रिक्ट है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कैलमगोड में रुकने की जगह। अगर आप वहाँ पर कमरा लेते हैं तो आपको 1000 से 1500 के नीचे कोई कमरा नहीं मिलेगा, और इस कमरे में आपको एसी भी मिलेगा, लेकिन अगर आप नॉन एसी में जाएंगे तो आपको कमरा तो 700-800 में मिल जाएगा, लेकिन इसकी कंडीशन थोड़ी सी खराब होगी। अब कैलमगोड में आप अपने होटल की बुकिंग ऑनलाइन भी कर सकते हैं, अगर आप चाहो तो वहाँ आप होटल में जाके भी कर सकते हैं बुकिंग, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि आप बीच के आसपास ही होटल लीजिए ताकि आप बीच को आसानी से इंजॉय कर सकें। अब बात आती है कि हम होटल में खाना पीना कर सकते हैं। दोस्तों अगर जब आप ऑनलाइन बुकिंग करोगे तो उसमें एक ऑप्शन आता है कि आप होटल में खाना खाना चाहते हैं, लेकिन मेरी सलाह ये है कि आप उस ऑप्शन को ऑन मत करना क्योंकि होटल वाले फिक्स टाइम पर खाना सर्व करते हैं। अगर आप उस टाइम पर कहीं बाहर घूम रहे होगे तो आपको खाना नहीं मिलेगा। तो मैं यही कहता हूँ कि जब आप ऑनलाइन बुकिंग कीजिए तो आप वहाँ पर सिर्फ रुकने का पैसा दीजिए, खाना पीना आप बाहर से कर लीजिएगा। दोस्तों अब बात आती है कि हम खाने पीने का खर्चा कितना होगा। तो आप अगर आप थाली पूरी थाली लेते हैं तो आपको पर पर्सन के हिसाब से 150 रुपए लगेगा। अब आप सोच रहे होगे कि ये बहुत ज्यादा है। दोस्तों ये मैं बता रहा हूँ सिर्फ ऑफ सीजन का, लेकिन अगर आप विंटर के सीजन में जाएंगे तो ये 150 रुपए आपको 300 रुपए बदल जाएगा, और आप जो होटल लेंगे उसका किराया भी 3 से 4 हजार में पहुंच जाएगा। तो फिर मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अगर आपका बजट कम है तो आप सिर्फ विंटर सीजन को अवॉइड कीजिए। अब आपका खाने पीने का इंतजाम भी हो गया है, आपको वहाँ पर बहुत सारे खाने पीने के होटल मिल जाएंगे। पहले प्रॉब्लम होती थी कि आपको सिर्फ वही नॉन वेज खाना मिलता था, अब वहाँ पर सिर्फ नॉन वेज और वेज भी खाना मिलने लग गया है। नॉन वेज के अलग होटल हैं, वेज के अलग होटल हैं। दोस्तों अब बात करते हैं घूमने की। दोस्तों जब आप कैलमगोड बीच पर जाएंगे तो आपको वहाँ पर बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी देखने को मिल जाएंगी, जैसे पैराग्लाइडिंग होगी, आप अपने हिसाब से कोई भी स्पोर्ट चुन सकते हैं। इन सब चीजों का आपका किराया अलग आएगा, लेकिन आप इस चीज से बहुत सारा आनंद उठा सकते हैं। दोस्तों जो कैलमगोड बीच है वो बहुत साफ सुथरा भी है और वहाँ पर बहुत बढ़िया माहौल भी है। कैलमगोड बीच पर आपको फॉरेनर भी देखने को मिल जाएंगे और इंडियन तो आपको देखने को मिल ही जाएंगे। जो फॉरेनर होते हैं वो कैलमगोड बीच पर ही रहना पसंद करते हैं। यह बहुत बड़ा बीच है, लेकिन आप ध्यान रखिए कि आप ज्यादा गहराई में ना जाएं क्योंकि वहाँ गहराई में जाने के बाद कुछ दुर्घटना भी हो सकती है। तो फिर बेटर यही है कि आप आराम से एंजॉय कीजिए, चाहे आप अपनी फैमिली के साथ जाएं, चाहे आप कपल्स में जाएं, तो फिर आप गोवा बीच का पूरे आराम से आनंद उठाइए। अब हम बात करते हैं दूसरे बीच की, जिसका नाम है बागा बीच। जो बागा बीच है वो कैलमगोड से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर दूर है। दोस्तों जो बागा बीच का पानी है वो हल्का सा ब्लू कलर का है, तो आप वहाँ पर फोटो शूट भी कर सकते हैं। वहाँ पर जाकर आप बहुत सारी एक्टिविटीज भी कर सकते हैं क्योंकि जो बागा बीच है वो बहुत साफ सुथरा भी है। दोस्तों फोटो शूट के लिए बागा बीच बेस्ट है क्योंकि वहाँ पर पहाड़ और जो बीच है वो दोनों एक दूसरे कनेक्ट है। दोस्तों आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होगी और आपने सुना भी होगा कि एक बीच है गोवा में, वो है अजूना बीच। पहले अजूना बीच बहुत अच्छा हुआ करता था, वहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज होती थी, वो साफ सुथरा भी था, लेकिन मौसम की वजह से जो अजूना बीच है वो बहुत सारा गंदा भी हो चुका है, उसकी रेती भी काली पड़ चुकी है और आपको वहाँ घूमने में बढ़िया भी नहीं लगेगा। तो मेरी सलाह यही है कि आप वहाँ घूमने को अवॉइड कीजिए। अब ना वहाँ पर कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है, ना वहाँ पर कोई लोग देखने को मिलते हैं, और आपको जो कैलमगोड की दूरी है वो आप वहाँ से 8 से 10 किलोमीटर पड़ जाएगी, जो बहुत दूर भी पड़ जाता है। लेकिन इसके अलावा आप इसको छोड़ के आप कैंडलम बीच चले जाइए। दोस्तों आपको कैंडलम बीच में बहुत सारी सुविधाएं मिल जाएंगी जो आपको बागा और कैलमगोड बीच पर मिलती थी। दोस्तों अब हम बात करते हैं कैलमगोड में घूमने की। दोस्तों कैलमगोड से 11 से 12 किलोमीटर दूर एक फोर्ट है जिसका नाम है गौड़ा फोर्ट, तो आप वहाँ भी घूमने जा सकते हैं। वो बहुत पुरानी प्लेस है, वहाँ घूमने का आपको आनंद आएगा, तो मेरे हिसाब से वहाँ भी घूमने जाइए अगर आपके पास पर्सनल गाड़ी है। दोस्तों अब हम गौड़ा फोर्ट घूम चुके हैं। जब आप गौड़ा फोर्ट से कैलमगोड लिए निकलोगे तो आपको एक जगह मिलेगी
की जो कि गौड़ा फोर्ट से 3 किलोमीटर दूर है, जिसका नाम है सेंचुरियम बीच। दोस्तों सेंचुरियम बीच आप जरूर जाइए क्योंकि वहां पर फोटो शूट के लिए बहुत अच्छा नजारा मिलता है, और वहां पर सुंदर के बीचों बीच किला भी बना हुआ है, और वहां पर आप उस किले में आप फोटो शूट भी कर सकते हैं, आप वहां पर रह भी सकते हैं, आप वहां पर घूम भी सकते हैं, आप वहां पर बहुत सारी एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। तो आप ये सारी चीजें सेंचुरियम बीच में भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप चर्च में घूमने का इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको कैलमगोड़ के आसपास बागा बीच के आसपास एक चर्च भी मिलते हैं, तो वहां पर भी आप ये सारी चीजें कवर कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं बजट की, यानी कि आपका कितना खर्चा आएगा जब आप गोवा घूमोगे। दोस्तों ये जो मैं आपको बजट बताऊंगा ये बिना किसी शॉपिंग के, बिना किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी के, यानी कि पैराग्लाइडिंग, स्पोर्ट्स बाइकिंग, किसी भी एक्टिविटी को जोड़े बिना आपको ये बजट बताऊंगा। चाहे आप स्मोक करते हैं, चाहे आप ड्रिंक करते हैं, इन सारी चीजों को हटाकर मैं आपको बताऊं दोस्तों जो आपको खर्चा आएगा वो गाड़ी को मिलाकर, खाने पीने को मिलाकर, कमरे को मिलाकर सारा खर्चा आएगा वो आपको पर पर्सन के हिसाब से 3 से 4 हज़ार के बीच में आएगा। लेकिन अगर आप कोई शॉपिंग करते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं, या फिर कोई ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, तो इस केस में जाहिर सी बात है आपका बजट बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि आपको कैसे गोवा ट्रिप में जाना है। दोस्तों इसका मैं सेकंड पार्ट भी लाऊंगा जिसमें मैं बहुत सारी चीजें और भी कवर करूंगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, और आप कमेंट जरूर कर देना कि अगली वीडियो आपको किस प्लेस के ऊपर चाहिए। तब तक के लिए शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में।